मुख्यमंत्री जी के आज बयान बा, आज बयान काल के बयान में इतना बवाधन, इतना गंदा, इतना विचार गंदा करके जो माने वो भाषण रहा दूसरा में कहा था, आप लोग बैठिए ना बैठिए, सुनिए ना कहते हैं सुनिए मुख्यमंत्री जी बैठा बैठा के सुना सुना के अब गंदा बात अपने लोग को तो सब जानकारी हुई कि हमारे प्रेस के मीडिया लोग के जानकारी हुई कि कितना गंदा बात बोलने पड़े सबके लेके बेटी बहू बात। लेकिन नीतीश कुमार जी के अगर जब विधानसभा में नीतीश कुमार घुसी ने तो पहले पियत रही एक चिलम ओकरा बाद में चढ़ाव देनी दू चिलम आ जब काल बोली बोली महिला के ऊपर तो चार चिलम पी के आई गए नीतीश कुमार जी। उनका जब तक पीहन ना तब तक उनका मुंह से कोई करे के बात सही ना निकली। हम उनकरा के माने कहे के यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने के मांगते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुनने वाला नहीं थी। उनकरा साथे पिटू लघु तेजस्वी यादव कहते ना तो पढ़ाई होला छिनरा छिनरी के पढ़ाई होला नीतीश कुमार पढ़ले बड़न और इतना लोग नहीं के पढ़ले आज वह खाली नीतीश कुमार पढ़ाई बा और तेजस्वी यादव पढ़ले बा दो आदमी पढ़ले बा लोग। लेकिन आप कोई इतना दुनिया में पढ़े वाला लोग वो लोग नहीं के पढ़ले। लेकिन उनका शर्म करे के चाहिए नीतीश कुमार जी के कि सबके लगे बेटी बहू बा हम कैसे ऐसा जवान से निकाले थे हमार कहा मैंने सही बात निकला था कहा गलत निकला था। आज भरत सभा में माफी मांगा था उनका शर्म करे के चाहिए हमारे महिला दल पर ऐसा टिप्पणी करे ये श्रवणीय बात नहीं है। और क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री ये क्या दिखाना चाहते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री आधी आबादी आपने आधी आधी आबादी को क्या दिए। अगर तेजस्वी यादव आते हैं बगल से और कहते हैं क्या कि सेक्स का ज्ञान बांट रहे हैं तो सेक्स का ज्ञान बांटता तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा लेते हैं। जिस तरह से गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो उसी तरह से सेक्स का ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों खड़े होकर पूरे बिहार के युवा युवतियों को बुलाकर सेक्स का ज्ञान देने का काम करें। चाहती हूं कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं इतना बढ़िया मुख्यमंत्री इतना विकास पुरुष इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होने वाला था।